अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि है प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम। आजकल वाइट हेयर की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि सफ़ेद बाल हो जाते हैं। ग्रे हेयर का तो अभी एक ही तरीका है कि बालों को कलर कर लें, लेकिन उससे सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं, बालों से शाइनिंग भी चली जाती है। और बच्चों को तो कभी भी कलर यूज नहीं करना चाहिए। अभी ये क्यों होता है? तो हमारे हेयर फॉलिकल्स में मिलानिन होता है, जो हमारे हेयर को पिगमेंट देता है। इसी मिलानिन सेल की पिगमेंटेशन से हमारे बालों में कलर आता है। जैसे जैसे हम एजिड होते रहते हैं, तो मिलानिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, यानी हमारे स्कैल्प में पिगमेंट की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर वाइट हो जाते हैं। मगर अब मसला है प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर का, तो ये क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनसे हमारा मिलानिन बनना स्टॉप हो जाता है। पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ग्रेइंग हेयर एंड आल्सो डिफिशियंसी ऑफ विटामिंस। स्ट्रेस रीजन हो सकता है, जेनेटिक रीजन हो सकता है। सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, इसके अलावा अपनी डाइट अच्छी करनी है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रीजन क्या है? हमारी डाइट और आसपास का एनवायरनमेंट, मतलब पोल्यूशन तो हमारे हाथ में नहीं है ठीक करना, मगर डाइट अच्छी करना हमारे हाथ में है। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डाइट। तो अब आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। इस रेमेडी से आपके बाल जड़ से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ना सिर्फ आपके बालों को काला करेगा, बल्कि हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तुरई को वॉश करके अच्छे से सुखा लें, उसके बाद तुरई को कट करके 3 दिन इसको छाँव में सुखा दें। डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना, छाँव में सुखाना है। सुखाने के बाद ये ऐसे श्रिंक हो जाएंगे। फिर कोकोनट ऑयल में सूखी हुई तुरई ऐड करके 2 दिन इसको ऐसे ही रखना है। फिर एक बाउल में कोकोनट ऑयल और तुरई के पीस ऐड करेंगे। फिर हल्की आंच पे इसको बॉईल कर लेंगे 15 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम पे पकाना है इसको। जैसे जैसे ये पकेंगे, तुरई के पीस जो है वो ब्लैकिश ब्राउन होते रहेंगे। इसके बाद फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। फिर इसे स्ट्रेन आउट कर लें और एक बोतल में इसे स्टोर कर लें। तुरई में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके बाल ग्रे हो चुके हैं, मतलब प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, उनको रिवर्स करके वापिस आपके हेयर की ग्रोथ ब्लैक कर सकती है। ये तुरई का तेल ऐसा ऑयल है जो आपके ग्रेइंग हेयर को स्टॉप करेगा ही, लेकिन जो ग्रे हेयर आ गए हैं उनको रिवर्स करेगा ब्लैक में। तुरई के तेल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ साथ ये मिलानिन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है। इस ऑयल को हेयर फॉलिकल्स में फिंगर टिप के थ्रू अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज करना है। वीक में 2 से 3 बार इसका यूज करना है आपने। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।